नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपना रोल नंबर आप कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों CSJMU के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने जो है अपना रोल नंबर भूल चुके हैं, रोल नंबर को कैसे ढूंढना है, इसके लिए वीडियो को पूरा जो दोस्तों अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कैसे रोल नंबर को आपको सर्च करना है, रोल नंबर आप भूल चुके हैं उसके बाद रोल नंबर को सर्च करके किस तरह से रिजल्ट देखना है, इस तरह की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस लिंक पर आना है, इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं CSJMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट को डायरेक्ट लिंक जो है निकाल रखा है, इस लिंक पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हालांकि ये लिंक सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ आप चाहे BA, BSc या BCom, BEd, MA किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो रोल नंबर को सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना, उसके बाद अपना सेंटर भर देना, सेंटर में आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर किसी भी एक कॉलेज को ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस कॉलेज में एक स्टूडेंट को सर्च किया है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने पर आपका आपके कॉलेज में आपके नाम से नीचे आपको अपना स्टूडेंट का नेम देना है। तो नीचे स्टूडेंट का नाम देने के बाद आपके सामने आपके जो भी उस स्टूडेंट के नाम से जो भी बंदे उस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनका सबका नाम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है इसमें नो डेटा दिखा रहा है, मैं यहाँ पर दूसरे कॉलेज को देखता हूँ। तो यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम सर्च करेंगे। तो स्टूडेंट का नाम सर्च करने के बाद कुछ समय वेट करते हैं, वेट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है हमने क्लिक कर दिया सर्च पर, आपको नीचे क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है पूरी डिटेल आ जाती है। तो कुछ समय वेट कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ पर आ जाता है हम आपको एनरोलमेंट नंबर पूरा आपको शो कराएंगे, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर आता है। वैसे मित्रों आपको बता दें, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डायरेक्ट लिंक आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने सर्च पर जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा जो है उस नाम से जो भी स्टूडेंट थे उनके सारे नाम आ गए, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर सामने आपके आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना एनरोलमेंट नंबर निकाल के उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, मिलते एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप इसी तरह मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।